अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं से आप देख रहे हैं जैसे कि हम जा रही हूँ मैं कहीं, तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। किचन के कुछ सामान लेना था और साथ ही मैं अपने मिट्टू को भी लेती गई थी। मैंने कहा ये अकेला घर कैसे रहेगा, बोर होगा, तो मैं फिर इसको साथ ले गई थी और ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और बोल भी रहा था। और ये है नेचरे का, क्योंकि रात को वापस जब आई और वहाँ जब मैंने शॉपिंग की तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, टाइम ही नहीं था। बस जल्दी जल्दी मैं सामान लिया और ये फिर दूसरे दिन मैंने आके कपड़े धोए और सफाई वगैरह की। और ये थी वो शॉपिंग में मैंने लिया था ये हॉटपिक छोटा वाला और ये पानी पूरी गोलगप्पे। ये मैंने देखा था इसमें 40 गोलगप्पे बन जाएंगे। मैं देखूंगी बनाऊंगी जब प्याज शेयर भी करूँगी। और चिकन वाइट ली थी, मतलब वाइट चिकन बनाने वाला मसाला लिया था और पाया मसाला लिया था और कुछ मसाले लिए थे। बस ये जो कुछ चीज़ें मैंने रख दी थी और कुछ शॉपर मैंने अभी खोले थे तो वो मैंने कहा आपसे शेयर करें। और साथ ही मैं नूडल्स लिए थे ताबीर के लिए, नूडल्स खाते ताबी। और ये लिए थे कॉर्न, जब मैं इसके फुल्ले बनाऊंगी ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये भी। और साथ ही मैंने ये लिया था ये तुख मलंगा और ये भिगो के, और ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, ये इसको क्या कहते हैं कोको पान मसाला भी कहते हैं शायद। और ये गर्म मसाला लिया था। सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ली थी क्योंकि हम दो ही जने हैं, बच्चे मेरे ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो सारी चीज़ें मैंने बस एक महीने की ली थी। और ये मैंने ली थी साबित लाल मिर्ची कुटी नहीं होती वो, और ये हल्दी ली थी और कुछ इलायची वगैरह ली थी और बहुत सारी चीज़ें जैसे ली थी जो जरूरत की होती हैं। कुछ और सामान लिया था और उसे मैंने अभी मैं खोल के दिखाता हूँ क्या सामान लिया था। और साथ ही साथ मैंने किचन की देख लें सेटिंग भी कुछ चेंज किया है, कैसी लग रही है ये वाली सेटिंग भी। मैं मुतमईन नहीं हो रही अभी तक, मुझे सेटिंग कोई समझ नहीं आती, कोई अच्छी नहीं लग रही, कोई मुझे ज़रा मज़ा नहीं आ रहा खाना वगैरह बनाने में, तो फिर मैंने आज और सेटिंग चेंज किया। और कुछ सामान ये था कि मैंने टिशू पेपर लिए थे, ब्रश लिए थे न्यू येलो मेरा है और पिंक मेरे हस्बैंड का, जबकि मुझे पिंक कलर पसंद नहीं है येलो पसंद है। और ये मैंने लिया था हैंड वॉश किचन के लिए, किचन में भी होना चाहिए। और लिए थे मैंने ये तेल, तो मैं इस तेल को सरसों के तेल में मिक्स करके लगाऊंगी क्योंकि इसकी खुशबू ज़्यादा होती है। साथ ही मैंने ये नेल भी लिया था, नील मैंने छोटा लिया था क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और ये कंफर्ट लिया था, पहले मैंने कंफर्ट जो लिया था वो खत्म हो गया, ये मैंने ज़रा बड़ा लिया। और ये डिन टॉनिक मैंने किस लिए लिया ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी इसका मैंने क्या करना है। और साथ ही मैंने ये लिया था मास्क फेस पे लगाने के लिए, एक्नी तो मेरी एक्नी गर्मी में बहुत ज़्यादा थी तो मैंने ये मास्क भी ले लिया। और साथ ही मैंने ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने ना ये सोचा ये पीनी चाहिए क्योंकि काम ज़्यादा होता है और फिर एक यूज़ कर लेती हूँ रोज़ में। साथ में मैंने ये लिए थे कप, ये कप मैंने एक मीर हमज़ा के लिए और एक ताबीर के लिए लिया था, मुझे पसंद बहुत आया था। तो आपको कैसा लगा आपने ये वीडियो में कमेंट में बताना है। और साथ ही साथ मैंने ये लिया था रोज़ वाटर फेस पे लगाने के लिए और फेस पे स्प्रे करने के लिए, एक मेरे हस्बैंड ने आए थे और एक मैं ले आई थी, दोनों मिक्स हो गए। और ये मैं चिली गार्लिक इग्नोर वालों का लाई और नेशनल वालों का, मैंने कहा दोनों को मिक्स करते हैं ज़्यादा कौन सा मज़े का लगता है। इग्नोर वाला मैंने पहले यूज़ नहीं किया हुआ तो फर्स्ट टाइम यूज़ किया मैंने। और साथ में मैंने ये जो लिया है पुदीना, ये सुखाऊंगी, सुखाने के बाद इसको डब्बी में डालकर रखूँगी, जब मैं चावल बनाती हूँ तो चावल के ऊपर डालती हूँ, खुशबू होती है, मुझे अच्छा लगता है। साथ में ये डस्टबिन भी लिया था और ये पाउडर लिया था बच्चों के लिए क्योंकि गर्मी में ना बच्चों के लिए पाउडर ज़रूरी है। और ना ये वाला भी लिया था, दोनों बहुत अच्छे हैं, आप भी यूज़ करें। और साथ में मैंने ये लिया था शीशा वगैरह साफ़ करने के लिए। और फ्रिज मेरा जो है ना वो भी शीशे वाला, तो वो भी मैं साफ़ करने उसको साफ़ करने के लिए लाजमी ये लिया था। और साथ में ये जालियाँ भी ली थी। और आज मैं बना रही हूँ गोश्त, तो देखो कैसा गोश्त बनता है, कैसा सालन बनता है, मुझे तो गोश्त अच्छा ही नहीं लगता। बस ये लास्ट पड़ा था ये बस बनाने के बाद, फिर बस बाज़ार से ही आया। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि और मैंने क्या लिया था। और मैंने ये लिया था ये बैठने के लिए स्टूल और क्या कहते हैं इसको, ये लिया था ग्रीन वाला। और साथ में ना मिट्टू को मैंने यहाँ बिठाया हुआ, गर्मी ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने डस्टबिन भी कलर किया था और ना ये देखें इसको मैंने सारे दरवाज़ों के साथ एक जैसा कर लिया। यही था मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का वेट किया करें। और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।